मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के दारुल फलाह कॉलोनी के बिल्डिंग नंबर 2, 4, और 5 में रहने वाले 3 लोगों की 4 मोटरसाइकिलें चोरी का मामला सामने आया है और इन लोगों ने खुद चोरी करने वाले 3 लड़कों को पकड़कर मुमरा पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि पकड़े जाने के बाद इन 3 लड़कों की पिटाई भी की गई, जिसकी वीडियो भी सामने आई है। बिल्डिंग नंबर 5 में रहने वाले मोहम्मद सुफियान मोहम्मद आरिफ ने बताया है कि 2 गाड़ियां उनकी चोरी हुई और मोहम्मद शहबाज मेमन जो बिल्डिंग नंबर 2 में रहते हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान अंसारी जो बिल्डिंग नंबर 4 में रहते हैं, इन दोनों लोगों की भी 2 पहिया गाड़ी जो है चोरी हुई है। ये लोग अक्सर चोरी की घटना को जो है रात 3 बजे के आसपास में अंजाम देते थे। एक बार सुफियान को ये चोरी करने वाले लड़के जो है चोरी के फिराक में बिल्डिंग के नीचे घूमते हुए दिखाई दिए और इन्हें पकड़ने की कोशिश भी की गई, मगर ये लड़के भाग गए। काफ़ी छानबीन करके जो है चोरी से परेशान इन लोगों ने आखिरकार इन लड़कों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि ये 4 लोग थे, मगर 3 ही पकड़ में आए और 1 फरार हो गया। गाड़ी चोरी करने के बाद चेन और मोबाइल स्नेचिंग की घटना को ये लोग जो है उसी गाड़ी के जरिए अंजाम देते थे। पकड़े गए 3 लड़कों को मारा पीटा गया, उसके बाद मुमरा पुलिस को भी सौंप दिया गया है। मुमरा पुलिस ने मोहम्मद कैफ बबलू शेख, मोहम्मद अमानुल्लाह फारूक शेख, इब्राहिम इस्माइल सैयद और चौथा नाम जो है पापा, इन पर जो है FIR भी दर्ज की है। हालांकि पकड़े गए इन लड़कों को मारने की जो वीडियो सामने आई है, उसके बाद ऐसा लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इन लड़कों को मारना नहीं चाहिए था और इन्हें पकड़ा गया था अगर तो इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाना चाहिए था। मगर इन सब मामलों को लेकर और गाड़ियाँ जिस तरह से यहाँ दारुल फलाह कॉलोनी से चोरी हो रही थी, इन पूरे मामलों को लेकर पूरी जानकारी मोहम्मद सुफियान ने दिया है, आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दारुल फलाह कॉलोनी बिल्डिंग नंबर 5 में रहने वाला हूँ। ये 11 तारीख से हमारी गाड़ी बर्गमैन। सुफियान भाई अपना पूरा नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान मोहम्मद आरिफ मेहता, ठीक है। ये दारुल फलाह बिल्डिंग नंबर 5 में मैं रहता हूँ। ये मेरी पहले एक गाड़ी लेकर गए थे बिल्डिंग नंबर 4 की, MH04 गाड़ी नंबर है वो। हाँ, MH04 गाड़ी नंबर है KY2448। इसको 11 तारीख के दिन रात में, जो 10 के बाद 11 तारीख रात में, मोटरसाइकिल बर्गमैन है, बर्गमैन अच्छा एक्टिवा ऐसी बर्गमैन गाड़ी है। हाँ। उसको चुराए थे ब्लैक कलर की। उसको 3 बजे के करीब में चुराया गया, ये 3 से लेकर 3:30 के दरमियान में, और ये 5 बजे लाके वापस रख दी गई। ये 2 घंटे के अंदर गाड़ी को लेकर गया है और इस पर डाइगर चौकी के अंदर हमको ये सब मालूम पड़ी है कि उसमें उस गाड़ी का नंबर आया, FIR स्नैचिंग की गई है उस गाड़ी से मोबाइल। और दूसरा है 12 तारीख के दिन मेरी गाड़ी को चुराया गया है, MH04KG1014 गाड़ी नंबर है मेरा, ग्रे कलर की बर्गमैन है। यानी ये 2 गाड़ियों की एक ही FIR है। हाँ, 2 गाड़ियों की एक ही FIR है। दोनों गाड़ी चुराई गई है। तो हमने पहले तो ब्लैक वाली को बना नहीं दे दिया था, तो उनको मिला नहीं ब्लैक वाली को चुराने 12 तारीख को। वो गाड़ी तो सर्विस सेंटर में थी, तो ग्रे वाली जो दूसरी वाली जो थी, तो उसको उन्होंने उसका हैंडल लॉक तोड़ा और उसको लगभग मैंने 3:05 में घर पे देखा था घर से, तो गाड़ी मुझे दिखी। मैं 4:15 में फिर उठा इस दिन घर में, मैं उठ के वापस खिड़की खोल के देखता तो गाड़ी चले गई। तो हम लोगों ने मुमरा का उसका पूरा ढूंढा, तो हमको हमारी गाड़ी नहीं मिली। लेकिन हम जब 5:30 बजे गली में वापस रिटर्न आए तो हमको हमारी गाड़ी खड़ी भी दिखी, लेकिन हमने देखा था उस तरीके से वापस हैंडल टूटा हुआ था, गाड़ी की वाट लग चुकी थी हमारी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अभी 13 तारीख को हम सोचे कि फिर आएगा, हमने उस गाड़ी को बनाया नहीं, हमने सोचा 13 तारीख को ये फिर आएगा। तो 13 तारीख को हम सब यहाँ बाहर आसपास खड़े थे, बिल्डिंग के छोकरे लोग, पूरी सोसाइटी के लोग फैल के, तो उनको किसी की खबरी ने बताया कि बेटा तू मत जा, नहीं तो तेरी शामत है आज। तो 13 तारीख के दिन नहीं आया, तो हमने फिर 14 तारीख के दिन मिस हो गया। 14 तारीख के दिन मिस हुआ ना, तो हम सब फैल के नहीं थे, हम अपने अपने घर पे थे। लेकिन 14 तारीख को 3:33 में फिर से आया वो बंदा। फिर से आने के बाद मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसको 3:33 पे। उसने गाड़ी को बर्गमैन को बैठ कर वापस जिस तरीके से डायरेक्ट पे स्टार्ट किया और गाड़ी को लेके जा रहा था, उसी दरमियान में हम सीढ़ी से नीचे उतर के आ गए अपने घर से। उसको पकड़ने गए तो भाग गया, भागते हुए वो चला गया उर्दू मीडियम अब्दुल्ला पटेल के गेट से। तो फिर हमारे हाथ से निकल गया, हम रिटर्न वापस आए।
हमने हमारी दूसरी गाड़ी लेके उसका फॉलोअप करने गया। हम सोचा कि नसीमबाग में हो सकता है ईशा नगर का लड़का होगा, लेकिन हमको किसी ने बताया था दो दिन पहले, जब हमारी गाड़ी गई थी, ये कुछ एमके के छोकरे है ये। तो हमने उसी वक्त एमके में गाड़ी घुसाया तो हमको एमके में दिख गया वो बंदा। लेकिन हमारे साथी वाले ने कहा कि नहीं, अभी हमको इसको पकड़ना नहीं, खुद ब खुद आगे आएगा। तो हम उस गली से बाहर निकल के मुमरा पब्लिक स्कूल से हम दरगाह गेट पे आए। वो मुमरा पब्लिक से वापस आया, किसी से लिफ्ट मांगा एक्टिव वाले से, भाई मुझे आगे छोड़ दो, मेरे पैर में दर्द है। हमने फौरन उसके पीछे पीछे चलते हुए अपना मोबाइल निकाल के उसकी वीडियो बनाया। जिसी दरगाह गेट पे हम पहुंचते हैं तो उसी वक्त पे वो मोबाइल गाड़ी चलाने वाला, भाई वीडियो क्यों बना रहे, मतलब भाई तेरे पीछे बैठा हुआ बंदा चोर है। क्योंकि हमारी गली से अभी से 3:33 पे गाड़ी को स्टार्ट कर रहा था, 4 दिन से गाड़ी चोरी हो रही है। हमारे पास CCTV फोटेज, उसने बोला भाई मेरा वीडियो डिलीट करो, इसने मुझसे लिफ्ट मांगा था। हमने उसका वीडियो डिलीट कर दिया, इसको पकड़ लिया। लेकिन वहाँ के कुछ हमको 15-20 लड़कों ने, भाई नहीं हमारे गली का है, ऐसा नहीं किया होगा, ये वो, हम उसकी गारंटी, मतलब भाई आप हमारे साथ चलो, हमारे पास 4 दिन की पूरी फोटेज है, ये बंदे लोग कंटिन्यू आ रहे, हमारी 2 गाड़ी को नुकसान कर चुके। तो हमने उसको यहाँ पर लाया, जब वो बंदे ने खुद ब खुद अपने मुँह से बोलते चला गया कि हाँ भाई मैं आया, आज मेरा फर्स्ट डे था, मेरे को उन लोग ने कहा कि गाड़ी को मैंने लॉक टूटा हुआ है, तू खाली जाके इसको डायरेक्ट पे स्टार्ट कर। ये स्टार्ट करने पे फिर मैं भाग गया, मैं इनको भाई ये पकड़ने आए थे, मैं इस जगह से भाग गया। वो बंदा इस जगह से भाग गया, हमने उसको पकड़ के वहाँ से यहाँ लाया। फिर बाद में उसने दूसरे का नाम बताया, एक इब्राहिम करके था, मेमन कॉलोनी में रहता है, 4 माले पे, उसको लाए। फिर उसने बताया भाई मेरे साथ में अमान करके है, अमान कॉम्प्लेक्स में रहता है, उसका वो भी लेकर आए वहाँ से 5वें माले पे कुछ लगभग रहता है, 4वें-5वें माले पे, उसको कुछ मामा मामा करके नाम से पुकारते हैं, और इब्राहिम को इबू नाम से पुकारते हैं, और ये जो ब्लैक शर्ट वाला जिसको हमने पकड़े थे उसको चौबा नाम से पहचानते, काशिफ है उसका नाम, उसको चौबा से बोलते। पहले हमने उस चौबा को पकड़ा था, चौबा ने इब्राहिम तक पहुंचाया, इबू के पास, फिर उसने ये मामा के पास पहुंचाया, अमान के पास। ये हमारी सच्चाई है। अच्छा सुफियान भाई, ये एक हम एक FIR में आपने बताया 2 गाड़ियां यहाँ से चोरी हुई है, एक बर्गमैन और एक एक्टिवा, दोनों बर्गमैन। आपके करीब में भाईजान खड़े हैं, इनके पास भी एक FIR है, तो इनकी कौन सी गाड़ी और कब चोरी हुई? इनकी है एक्टिवा 125, गाड़ी नंबर है 4025। MH04 है और आगे कुछ उसका H वगैरह 40 जी जी MH05 JG4025 हाँ, एक्टिवा 125 व्हाइट कलर की गाड़ी है, JG4025 गाड़ी है ये। 12 रबीउल अव्वल 12 वफात जो बोलते हैं उस दिन रात में चोरी हुई गाड़ी, ये अभी तक आज तक हमें मिली नहीं है, हमारे पास इसका FIR कॉपी भी है। अच्छा ये 4 नंबर में रहते हैं? ये 4 नंबर बिल्डिंग में रहते हैं। अच्छा हाँ। ये भी आपके करीब में खड़े 2 नंबर में रहते हैं, और इनकी भी गाड़ी चोरी हुई है, इनका भी कब मामला हुआ ये चोरी? इनकी गाड़ी भी 9 तारीख के दिन रात में चोरी हुई है, ये 9 मार्च की 9 तारीख के दिन में, एक्टिवा गाड़ी है 3G। अच्छा इनकी गाड़ी है एक्टिवा 3G है, MH04HT 6689। ये गाड़ी नंबर 4 गाड़ियां यहां से टोटल चोरी हुई, लेकिन ये 2 हमारी बर्गमैन मिल गई। हाँ। ये रोज चुरा लेके जाते थे, 2 घंटे में स्नैचिंग करते थे, उसको वापस लाके छोड़ देते थे, फिर नेक्स्ट डे उनको वही गाड़ी लेके जाने के लिए आसानी लगती थी, वो ये सोचते थे। और इन लड़कों को आपने पकड़ा, मतलब काफी हफ्ते भर की आपने मेहनत की, पूरे सुराग जमा किए, इनको तलाशा आपने, इनके यहाँ से आपने लाया, लाने के बाद जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उसके बाद इसको इनको आपने पुलिस स्टेशन में ले जाके पुलिस के सुपुर्द किया, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस को यहाँ पर किसी ने फ़ोन कर दिया था, अल्लाह ने हमारे को बहुत बढ़िया एक थोड़ी सी हमारे को हिम्मत और ताकत ये मिल गई कि हम उन लोग को यहाँ पर मामला उनका, उनकी वालदा वगैरह आई थी, उनकी अम्मी आए थे, कुछ भाई लोग आए थे उनके, बोले भाई गलती हो गई, माफ़ी कर दो, जो तुम्हारी गाड़ी का नुकसान हुआ हम आपको भरपाई देंगे, तैयार है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी ने पुलिस को वायरलेस पे फ़ोन किया, वो उन लोग बेचारे यहाँ पर आ गए अपनी ड्यूटी निभाने, उन्होंने यहाँ से उनको लेके गया। लेके जाने के हमको जब वहाँ चौकी में पता चला कि तुम्हारी दोनों गाड़ी पे स्नैचिंग हुआ है, अगर आप छोड़ देते तो हम इस पे गुनहगार हो जाते थे। अच्छा समझ रहे, इसके अंदर चाचू हम गुनहगार हो जाते थे अगर हम उनको छोड़ देते थे। उसके बाद हमको पता चला कि इनके ऊपर पहले की भी कुछ, जो इब्राहिम नाम का लड़का है उससे कुछ 17 गाड़ी का हमने ऐसा कुछ सुनने में आया है। अच्छा। या अभी वो कुछ छूट के आया 15-20 दिन 1 महीना पहले ऐसा सुना है हमने, इब्राहिम नाम का जो लड़का है। अमान पे भी कुछ है, केस वेस वगैरह हुआ है, इनमें से एक चौथा आरोपी फरार है। अच्छा हम से ये कहना चाहेंगे मुमरा कौसा की कि अपनी बिल्डिंगों के अंदर CCTV लगाए, थोड़ी सी निगरानी बढ़ाए, थोड़ा सा खर्चा करे बिल्डिंग में सोसाइटी मेंटेनेंस से, कि अपने वॉचमैन को रखने की थोड़ी सी कोशिश करे, मेहरबानी रिक्वेस्ट है।
कि आज हमारे साथ हुआ, कल अल्लाह ना करे आप लोगों किसी के साथ हो। और जो पेट्रोल चोरी वगैरह होता है ये शौकिया तौर पे नहीं करते, जानबूझ के करा जाता है। इनकी ये आदत बन गई है चोरों की, ये मुमरा कौसा के अंदर इन चोरों की आदत बन गई है। और थोड़ा मुमरा पुलिस से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पेट्रोलिंग को अपनी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए।